नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रिय बच्चों, पढ़ाई हर व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है और किसी देश के लिए भी शिक्षा का उतना ही महत्व है। हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं वहाँ शिक्षा का स्तर प्राचीन समय से ही अपने चरम पर रहा है। ऋषि मुनियों की बात करें तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के जो गुरु थे, चाहे वो संदीपनी ऋषि हों चाहे गुरु वशिष्ठ हों, गुरुकुलों में जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की वो अतुलनीय थी। भारतवर्ष में प्राचीन समय से गुरुकुल शिक्षा का चलन था और आप ये भी जानते होंगे कि तक्षशिला और शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थान कितने प्रसिद्ध रहे हैं भारत में। प्रिय बच्चों, प्राचीन समय से ही भारत में शिक्षा बहुत अच्छे स्तर पर दी जाती थी, चाहे गुरुकुलों में हो, चाहे शिक्षण संस्थाओं में हो, या फिर गांव में खुले हुए धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में, सभी में शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को दी जाती रही है। प्रिय बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए और अपने हितों के लिए उन्होंने भारत में यूरोपीय शिक्षा के चलन को बढ़ावा दिया। प्रिय बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो इसी से संबंधित है। आज हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित की गई इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भारत में यूरोपीय शिक्षा का चलन बढ़ा, किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू की गई। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, कैसे वे भारतीय समाज में यूरोपीय शिक्षा के चलन को बढ़ावा देना चाहते थे, और हम यह भी देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश लोग भारतीयों को अपनी शिक्षा से प्रभावित करना चाहते थे। इसी कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में। सन 1783 में विलियम जॉन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून में माहिर होने के साथ साथ जॉन्स एक भाषाविद भी थे। प्रिय बच्चों, भाषाविद का अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति है जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, अर्थात उसने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया होता है। विलियम जॉन्स भी ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन कर चुके थे। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा भी जानते थे। इसके अलावा उन्हें अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। प्यारे बच्चों, विलियम जॉन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी लगा, आइए इस बात को समझते हैं। जॉन्स ने पाया कि कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर उनके जैसी दिलचस्पियां रखते हैं। हेनरी टॉम्स, कॉलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। कलकत्ता आने के बाद रोजाना कई घंटों तक संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियां सीखना, उसके व्याकरण का ज्ञान हासिल करना,
संस्कृत काव्यों का अध्ययन करना और भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना उनका रुचिकर विषय बन चुका था। इस तरह जोन्स और कॉलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, उनका अनुवाद करने और अतीत के लुप्त हो चुके वैभव को समझने के लिए कार्यरत हो गए। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों के माध्यम से ये दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक नई अवधारणा का उदय हुआ जिसे प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवादी का क्या अर्थ है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, अर्थात ऐसे लोग जो एशिया में रहते हुए वहाँ की भाषा और संस्कृत के ज्ञान को हासिल करने में रुचि रखते थे। विलियम जॉन 1783 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आए और उन्होंने भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इस अध्ययन को करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित कारण दिए, जिसमें पहला कारण था वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव की ऊंचाई पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना वे समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता था और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता था। उनका यह विश्वास था कि उनके द्वारा शुरू किए गए परियोजनात्मक कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति को जानने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे भारतीयों को भी अपने अतीत, अपनी विरासत और अपने महान उपलब्धियों को जानने और समझने में मदद मिलेगी। प्रिय बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं जेम्स मिल और थॉमस मैकाले के बारे में। जेम्स मिल और थॉमस मैकाले भारत में यूरोपीय शिक्षा को अनिवार्य बताना चाहते थे। इन दोनों के द्वारा भारत में यूरोपीय शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए जो तर्क दिए गए उनमें सबसे पहला तर्क था ये प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली के कटु आलोचक थे और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के कट्टर समर्थक थे। जेम्स मिल और मैकाले दोनों ही अंग्रेज अधिकारी थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों के ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सही था, इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा का साहित्य पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए इतना खर्च नहीं करना चाहिए। लॉर्ड मैकाले तो भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना जरूरी था। मैकाले के अनुसार पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। हालांकि यह केवल लॉर्ड मैकाले का मानना था। लॉर्ड मैकाले यह भी मानते थे कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का भी मौका मिलेगा। प्रिय बच्चों, मैकाले के मिनट्स
यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया उसके मुख्य बिंदु निम्न थे। पहला, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। दूसरा, स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकें छापने का निर्णय लिया गया। तीसरा, कलकत्ता के मदरसे और बनारस हिंदू कॉलेज जैसी प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन देने की बजाय यूरोपीय शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थाओं को खोला गया। प्रिय बच्चों, इस अध्याय का अगला उपविषय है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश का वुड का नीति पत्र नाम रखा गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक फायदे होंगे। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। प्यारे बच्चों, वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने भारत में यूरोपीय शिक्षा के लिए जो कदम उठाए वो सामने दिए गए हैं। सबसे पहला कदम है सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। दूसरा, 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तीसरा, शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। और चौथा, स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए। प्यारे बच्चों, विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कदम उठाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में विद्रोह हुआ तो उस समय देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और एक नई शिक्षा प्रणाली का नया आयाम स्थापित हुआ। देश में यूरोपीय शिक्षा के लिए नए शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय खोले गए तो ऐसी स्थिति में स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? उन छोटे छोटे शिक्षण संस्थानों का क्या हुआ जो ग्रामीण इलाकों में खुले हुए थे? प्यारे बच्चों, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो बड़ी दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1,00,000 से अधिक पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आम तौर पर 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या बहुत अधिक यानी 2,00,000 से भी अधिक थी। ये पाठशालाएं अमीर लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही आरंभ की गई थी। प्रिय बच्चों, इन छोटी छोटी पाठशालाओं से शिक्षा देना काफी लचीला था।
बच्चों के लिए हाजिरी लेने का भी कोई इंतजाम नहीं था और अक्सर ये छोटी छोटी पाठशालाएं किसी वृक्ष की छाव में चला करती थी या फिर गांव में स्थित किसी धार्मिक संस्थान जैसे मदरसे अथवा मंदिर में भी चलती थी। और एक और बात बहुत अधिक दिलचस्प है, यह शिक्षा मौखिक होती थी। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए, फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह होता था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। प्रिय बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं नई दिनचर्या और नए नियमों के बारे में। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि मौजूदा व्यवस्था के भीतर भी बदलाव किए जा सकते हैं। जो बदलाव उन्होंने किए वो इस प्रकार थे। नए बदलावों के चलने से पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, गरीब किसानों के बच्चे स्कूल आने लगे, बच्चों में अनुशासन की भावना का विकास हुआ। और प्रिय बच्चों, जो सबसे बढ़िया बात हुई वो थी स्कूलों की उपस्थिति में सुधार हुआ, यानी पहले से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। प्रिय बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य सूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। आधुनिकीकरण का मतलब समझते हैं आप, कि भारत आधुनिक युग से जुड़ सकता था। उन्होंने अंग्रेजों से खुद भी आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी श्रृंखला के लोग, अर्थात वो चाहते थे कि भारत में जैसी शिक्षा प्रणाली चली आ रही है वो बेहतर है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। इस शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को उनका दास बना दिया है। महात्मा गांधी का दृढ़ मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों को दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, उन्हें और सामाजिक परिवेश से काट दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित थी। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता था, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती थी। महात्मा गांधी जी के पश्चिमी शिक्षा पद्धति संबंधी विचार जो थे वो कुछ अन्य भारतीयों से अलग थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चे अपने हाथ से काम करना सीखें ताकि उनमें हुनर और कुशलता विकसित हो। वो बच्चों की दक्षता बढ़ाने पर
बल देते थे। उनका मानना था कि बच्चों के मस्तिष्क और समझ के साथ साथ उनमें दक्षता भी आनी चाहिए, ताकि वो भविष्य में अपने व्यवसाय स्थापित कर सकें। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी की ही तरह एक और शिक्षाविद भारतीय शिक्षा में एक अहम स्थान रखते हैं, और वो हैं नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। प्रिय बच्चों, और रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना क्यों की, आइए इस विषय में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चों के स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, उन्हें लगता था कि बच्चों का इस तरह की इमारतों में दम घुटता है, तो उन्होंने इस दमनकारी माहौल से छुटकारा पाने के लिए कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों से शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करने का सोचा। जब वे ऐसा सोच रहे थे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि शिक्षा मुक्त हो, रचनाशील विद्यार्थी जहां अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी हुई दिखाई दी। प्रिय बच्चों, प्रकृति की गोद में इस संस्थान को विकसित करने के बाद उन्होंने इसका नाम शांति निकेतन सोचा, जहां पर बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते थे। प्रिय बच्चों, इस अध्याय में 19वीं शताब्दी में भारत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई गई, ये उपविषय भी एक खास जगह रखता है। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना है। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, लेकिन 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। देसी का अर्थ यहाँ पर उन भारतीय लोगों से लिया गया है जो अपनी परंपराओं से और अपनी पौराणिक शिक्षा गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों के कारण स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह से भारत में प्राच्यवादी और आंगल शिक्षा अर्थात पौराणिक शिक्षा की गतिविधियां जो शुरू से चलती आ रही थी और जो नवीन आधुनिक शिक्षा थी, उसका कैसे प्रचार और प्रसार हुआ। आइए अध्याय पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सामने दिए गए विकल्पों में कौन प्राच्यवादी विद्वान था? आपके विकल्प हैं मेकाले, जेम्स मिल, हेनरी टॉमस कॉलब्रुक या उपर्युक्त सभी। प्रिय बच्चों, सही विकल्प है हेनरी टॉमस कॉलब्रुक। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में विलियम जॉन्स को
जूनियर जज के पद पर कब तैनात किया गया? आपके विकल्प हैं 1753 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में या 1790 ईस्वी में। प्रिय बच्चों, सही विकल्प है 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वुड्स डिस्पैच कब जारी की गई? आपके विकल्प हैं 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में या 1856 ईस्वी में। प्रिय बच्चों, सही विकल्प है 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना गया है? महात्मा गांधी को, टैगोर को, मैकाले को या चार्ल्स वुड को? सही विकल्प है लॉर्ड मैकाले को। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह से वो भारत जो शिक्षा के क्षेत्र में सदा से ही अग्रणी रहा है, आधुनिक शिक्षा के आने से कैसे भारतीय समाज में बदलाव आया। आपने यह भी देखा कि भारतीय पुनर्जागरण में इस शिक्षा का क्या महत्व रहा। यूरोपीय शिक्षा के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े, ये भी आपने देखा। और इस अध्याय से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे कि विभिन्न अधिनियम जो शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए वो किस तरह से भारत में लागू हुए। उम्मीद करती हूँ आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।